हेलो एवरीवन, हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आप लोग अगर 12th एनसीईआरटी आप लोग के पास नहीं है तो आप परचेज कर सकते हैं। तो 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी की आप ओपन करिए और चैप्टर नंबर थर्ड फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की थ्योरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट है। तो चैप्टर नंबर थर्ड ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। जितने भी स्टूडेंट नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, बीएचयू, केजीएमयू और आप सीपीनेट, सेफई, टावा, अटल बिहारी वाजपेयी के एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो मेरे चैनल के थ्रू आप प्रिपरेशन कर सकते हैं और अच्छे से नंबर गेन करके आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी के कोर्स कर सकते हैं। तो 1000 से प्लस वीडियो हो गई है तो एक बार जरूर चैनल पे विजिट करें। तो इसके पहले एक वीडियो मैंने करा दिया था, उसमें 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ये वीडियो नंबर सेकेंड है, ये पार्ट नंबर सेकेंड है। तो इस वीडियो में हम लोग 25-30 क्वेश्चन देखेंगे जिससे ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन का फंक्शन पूछा था, जिसमें ओनली वन स्टूडेंट ने आंसर किया था और एग्जैक्ट वो आंसर सही भी था। और सभी लोग, जितने स्टूडेंट देखे थे, वो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। आंसर कमेंट में, भाई आंसर क्यों नहीं देते? कमेंट में आप आंसर देंगे तभी तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ स्टूडेंट पढ़ाई भी कर रहे हैं। और मेरे चैनल के थ्रू सेल्फिश स्टूडेंट मेरे चैनल पे नहीं है, तो मेरे चैनल पे ओनली अगर आपको पढ़ाई ही करना है तभी मेरे चैनल से जुड़े, अन्यथा नहीं जुड़ें। क्योंकि आप लोग रिप्लाई नहीं करते, कुछ करते नहीं, बस सोचते हैं कि बस सब कुछ मिल जाए फ्री में, कुछ भी पैसा नहीं देना पड़े। तो अभी जल्दी से हम लोग पैसा लेना शुरू कर देंगे तभी अच्छे से पढ़ाई स्टूडेंट करेंगे। फ्री में कुछ प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। फ्री में 100% प्रोवाइड करने से वही होता है कि उसकी वैल्यू नहीं होती, तो पैसा तो देना ही पड़ेगा। अभी देखिए, चलिए फ्री चलाएंगे, लेकिन अभी सोच रहे हैं कि थोड़ा करा दें स्टूडेंट, फ्री में हेल्प हो जाए। तो चलिए, ह्यूमन मिल्क, पिछली बार क्वेश्चन पूछे थे ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन का। तो ह्यूमन मिल्क क्या होता है? दी मेमोरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल। मेमोरी ग्लैंड जो होती है ये फीमेल्स में होती है, अंडर को डिफरेंशिएट होती है, प्रेगनेंसी के दौरान वो डिफरेंशिएट होती है और स्टार्ट करती है, प्रोड्यूस करती है टुवर्ड द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान एकदम लास्ट में वो क्या मिल्क प्रोड्यूस करती है और उस प्रोसेस को लैक्टेशन कहते हैं। लैक्टेशन पीरियड जो होता है पास्चुरेशन, डिलीवरी के बाद 6 मंथ के पीरियड को लैक्टेशन पीरियड कहते हैं। दी हेल्प ऑफ द मदर इज फीडिंग द न्यूबॉर्न। ये हेल्प करता है न्यूबॉर्न बच्चे को फीडिंग प्रोवाइड करने के लिए। दी मिल्क प्रोड्यूज ड्यूरिंग इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। जो लैक्टेशन का पीरियड चलता है उसमें जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसमें कोलेस्ट्रम होता है। कोलेस्ट्रम क्या होती है? मिल्क होती है, गाढ़ा दूध होता है। अब इसमें एंटीबॉडी भी प्रेजेंट होती है, इम्यूनोग्लोबिन ए प्रेजेंट होती है, IgA। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोलेस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, तो IgA। एकदम अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी बार पूछा जाता है कि जो कोलेस्ट्रम होता है उसमें कौन सी एंटीबॉडी होती है, तो IgA कोलेस्ट्रम में प्रेजेंट होती है। IgA एकदम रट लीजिए, IgA कोलेस्ट्रम। अब देखिए आगे चलिए, ये देख लिए, ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग एंड हेल्दी बेबी। हेल्दी बेबी और बेबी के डेवलपमेंट के लिए डॉक्टर्स भी अवॉइड करते हैं कि इन्फेंट जो बच्चा होता है उसको आप ब्रेस्ट फीड ही प्रोवाइड कराइए, ये नहीं कि कटोरी फीडिंग या फिर स्पून फीडिंग कराइए। आफ्टर चाइल्ड बर्थ के बाद क्या होता है? प्रोडक्शन, सिंथेसिस या सिक्रीशन ऑफ मिल्क क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए कि मिल्क की सिंथेसिस पूछता है या मिल्क का सिक्रीशन पूछेगा। कौन सा हार्मोन के थ्रू होता है? तो प्रोलैक्टिन हार्मोन हेल्प करता है। अगर क्वेश्चन पूछता है रिलीज, मिल्क रिलीज या इजेक्शन, मिल्क रिलीज या इजेक्शन पूछता है, मिल्क इज स्टिमुलेटेड बाय, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन आप लगाएंगे। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करवाता है? मिल्क को रिलीज करवाएगा या मिल्क को इजेक्शन करवाएगा? रिलीज और इजेक्शन एक ही बात है। सिक्रेशन और सिंथेसिस अगर पूछेगा तो प्रोलैक्टिन हार्मोन लगाएंगे। तो ये अच्छे से ये दोनों लाइन आप नोट डाउन कर लीजिए। और यही क्वेश्चन मैंने पूछा था कि प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन का फंक्शन क्या होता है, तो प्रोलैक्टिन का फंक्शन होता है मिल्क को
सिंथेसिस और सेक्रेशन कराता है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन इजेक्शन या रिलीज करवाता है। और क्वेश्चन एक बार ये भी पूछा था कि कैटल मीन्स जानवर होता है, जानवर में जो दूध इकट्ठा होता है थन में तो वो किस में कलेक्ट होता है, तो वो था सिस्टर्न में, सिस्टर्न, ये CISTERN सिस्टर्न याद कर लीजिए। और ये भी देख लीजिए, काफ़ी बार पूछा गया है कि पेक्टोरल मसल्स कहाँ पाई जाती है, तो ब्रेस्ट में पेक्टोरल मसल्स पाई जाती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो एरियोला वाला ब्रेस्ट में जो एरियोला वाला पार्ट होता है, एरियोला में कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, तो सीबीएसईएस ग्लैंड पाई जाती है, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन से। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट प्रेगनेंसी टाइम स्पेसिफिक, प्रेगनेंसी टाइम में जब औरत प्रेग्नेंट होती हैं वुमेंस, तो कौन सा हार्मोन जो होता है वो स्पेसिफिक नहीं होता, नॉट स्पेसिफिक होता है, तो बताइए, ह्यूमन क्रोनोगोनाडोट्रोपिन्स, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। तो ये तो एकदम अच्छा क्वेश्चन है और एकदम एनसीईआरटी जब आप ओपन करेंगे ना तो उसमें ये लाइन एग्जैक्ट लिखी हुई है। ये लाइन क्या लिखी हुई है कि जो प्रेगनेंसी के दौरान कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, HCG, ये देख लीजिए, HCG तो होगा ही, HPL भी सिक्रेट होता है और रिलैक्सिन भी सिक्रेट होती है, लेकिन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट नहीं होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एक बार तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि रिलैक्सिन हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है, तो ओवरी से सिक्रेट होता है रिलैक्सिन हार्मोन, ये आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं और इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन भी है, तो क्वेश्चन तो अच्छा ही है, तो क्वेश्चन को आप अच्छे से करिए और बताइए कि कौन सा इसमें करेक्ट होगा। जैसे देखिए, आईलेट्स सेपरेट, आईलेट्स अलग हो जाते हैं, आईएसएस फॉर्म्स होते हैं जब पार्सुरेशन होता है, तो उसमें जो ट्राइमेस्टर चलता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जब वुमेंस जो होती हैं प्रेग्नेंट होती हैं, तो उसमें फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ ऐसे चलता है। तो इसमें देखिए, आईलेट्स सेपरेट एंड आईलेसेस आर फॉर्म होते हैं 6 मंथ में। एक बार तो क्वेश्चन ऐसे पूछा, 6 मंथ मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर में 3 मंथ होते हैं और सेकेंड ट्राइमेस्टर में TRIMESTER ट्राइमेस्टर, फर्स्ट सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब एक ट्राइमेस्टर में 3 मंथ और सेकेंड ट्राइमेस्टर में 6 मंथ, तो 6 मंथ बोलिए या सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या हो जाता है, ISS या आईलिड्स सेपरेट हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहीं पे आप नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि फिफ्थ मंथ में पूछता है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि मूवमेंट ऑफ द फीटस, सबसे पहली बार फीटस का मूवमेंट कब देखा गया था, वुमेंस के प्रेगनेंसी के दौरान किस मंथ में फीटस का मूवमेंट पहली बार देखा गया था, तो 5th मंथ में देखा गया था, तो आप 5th मंथ लगाइएगा आंसर में, क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सेक्रेटेड बाय प्लेसेंटा। अब इसमें कह रहा है कि प्लेसेंटा के दौरान, मैंने पिछली वीडियो में प्लेसेंटा का एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि प्लेसेंटा के दौरान कौन से हार्मोन सेक्रेट होता है, तो प्लेसेंटा है कि एंडोक्राइन टिश्यू है जो प्रोड्यूस करती है, सेवरल हार्मोन प्रोड्यूस करती है, जैसे ESCG प्रोड्यूस करती है, तो ये तो प्रोड्यूस ही करेगा, HPL भी प्रोड्यूस करता है, और कौन सा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी प्रोड्यूस होता है प्लेसेंटा के दौरान, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, लेकिन रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है ये ओवरी के थ्रू प्रोड्यूस होता है, ना कि प्लेसेंटा के थ्रू, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नॉट सेक्रेटेड बाय प्लेसेंटा, तो रिलैक्सिन हार्मोन प्लेसेंटा के थ्रू सेक्रेट नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट लगाइए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझ के रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एम्ब्रियो इज नोन एज, जो एम्ब्रियो की आउटर एकदम बाहरी वाली लेयर होती है वो कौन सी होती है, एक्टोडर्म होती है। अब मैंने बताया था कि इसमें एक्टोडर्म होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेजोडर्म और इंडोडर्म होती है, 3 लेयर होती है, तो
मीजोडर्म एकदम बाद में बनती है और इक्टोडर्म नर्वस सिस्टम को ओरिजिन करता है और इंडोडर्म जो होती है इसमें एपिथेलियल सेल वॉल, तो आउटर लेयर से इक्टोडर्म होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन एकदम वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखिए। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स रिफर्स टू, जब वुमेंस प्रेग्नेंट होती हैं तो जो पार्चुरेशन होता है डिलीवरी टाइम के समय, ये कंफर्म होता है ना कि फीटल इजेक्शन शुरू हो जाता है, तभी तो कंफर्म होता है कि अब बच्चा एक्सपेल्ड बाहर आएगा, पार्चुरेशन होगा, डिलीवरी होगी। तो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स शो होता है, तो वो जो होता है ना उसमें माइल्ड हल्का सा कंट्रक्शन होता है, माइल्ड यूटराइन कंट्रक्शन होगा ड्यूरिंग पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के दौरान माइल्ड यूटराइन यूट्रस में कंट्रक्शन होता है, उसी को फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो होता है वो माइल्ड यूटराइन कंट्रक्शन इंड्यूज होता है, और इसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है ना मैटरनल पिट्यूटरी से, यही हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एम्ब्रियोनिक पीरियड इज आल्सो कॉल्ड, एम्ब्रियोनिक पीरियड को क्या कहा जाता है? तो प्रीनेटल पीरियड कहा जाता है, ना कि डेवलपमेंटल पीरियड, ना कि पोस्टनेटल पीरियड। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट लगाएंगे, एम्ब्रियोनिक पीरियड को प्रीनेटल पीरियड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और ये भी बार बार क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि दी वासा इफरेंसिया, पिछली वीडियो में मैंने अच्छे से बताया था कि रेटी टेस्टिस, वासा इफरेंसिया, इपिडाइमिस, वास डिफरेंस, पूरा पाथवे बताया था। तो इसमें देखिए, वासा इफरेंसिया लीव्स द टेस्टिस एंड ओपन्स इनटू द, जो वासा इफरेंसिया होती है वो किस में ओपन होती है? तो इपिडाइमिस में ओपन्स होगी, इपिडाइमिस में ओपन होगी। और इसके आगे देखिए, लोकेटेड एलॉन्ग द, ये कहाँ पे होगी? पोस्टीरियर साइड में होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए पोजीशन पे आप क्या भरेंगे? ए वाली जगह पे आप इपिडाइमिस भरेंगे और बी वाली जगह पे आप पोस्टीरियर भरेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका 32 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 32 का ऑप्शन नंबर आप लगाएंगे सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो पिछली बार भी मैंने ऐसे ही एक्सप्लेन कर दिया था, क्वेश्चन नहीं था लेकिन बता दिया था कि टेम्पोरी कुछ समय के लिए स्टोरेज ऑफ स्पर्म टेक्स प्लेस, जो आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप टेस्टिस का पूरा डायग्राम देखे होंगे, तो इसमें टेम्पोरी स्टोरेज स्पर्म कुछ समय के लिए स्पर्म कहाँ स्टोर होगा? वास डिफरेंस में, इपिडाइमिस में, वासा इंफ्रेंसिया में, या फिर रेटी टेस्टिस पे? तो मैंने बताया था कि इपिडाइडाइमिस जो होता है टेम्पोरी कुछ समय के लिए स्पर्म को स्टोर करता है, रिसीव करता है। तो ऑप्शन नंबर आप कौन लगाएंगे? इपिडाइडाइमिस लगाइए, ऑप्शन नंबर आप सी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये देखिए, और एक क्वेश्चन यहीं पे मैंने पिछली बार भी बताया था कि जब बेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी फीमेल्स में होती है और बेसेक्टोमी किस में होती है? ये होती है बेसेक्टोमी जो होती है ये होता है मेल्स में, बेसेक्टोमी में वास डिफरेंस, इस वाले पार्ट को वास डिफरेंट, एक क्या होती है? एक ट्यूब होती है, इसको कट करते हैं। ऐसे मान लीजिए ट्यूब गई है, आप फिगर दिया गया एनसीईआरटी में देखेंगे, इसको कट करके और बांध देते हैं। तो जब इधर बांध देंगे तो क्वेश्चन काफ़ी बार पूछता है कि स्पर्म इसके इधर जाएगा कि नहीं और सीमन जाएगा कि नहीं। तो स्पर्म विदाउट स्पर्म, सीमन तो जाता है लेकिन उसमें स्पर्म नहीं होती, तभी तो कहते हैं कि जाके नसबंदी करा लो। नसबंदी में भाई क्या होता है? वास डिफरेंस को ही काटते हैं। और फीमेल्स में अगर बात करेंगे तो वहाँ पे फैलोपियन ट्यूब कट किया जाता है, लेकिन मेल्स में वास डिफरेंस को कट करके बांध देते हैं, जिससे स्पर्म इसके बाहर जा ही नहीं पाता, मतलब वास डिफरेंस से सेमिनल वेसिकल्स में जा ही नहीं पाता है। सीमेन तो जाएगा लेकिन उसमें क्या नहीं रहता? स्पर्म नहीं रहता। ये एकदम अच्छे से देख लीजिए, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीमेन नहीं रहता कि स्पर्म? सीमेन तो रहता लेकिन उसमें सीमेन में स्पर्म नहीं रहता।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स प्रेजेंट इन द मैमेलियन टेस्टिस एंड नरिश द स्पर्म। भाई स्पर्म को क्या भोजन चाहिए, नरिश चाहिए, नरिशमेंट चाहिए, तो बताइए कौन सा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है मैमेलियन टेस्टिस में जो स्पर्म को नरिश प्रोवाइड करती है, तो वो होती है सर्टोली सेल्स होती है, ये टेस्टिस में, मैमेलियन टेस्टिस में प्रेजेंट होती है जो स्पर्म को नरिश प्रोवाइड करती है, तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सर्टोली सेल्स। ये देखिए सर्टोली सेल्स आर फाउंड, सर्टोली सेल्स कहाँ पे पाई जाती है, अब ये क्वेश्चन भी तुरंत जस्ट आ गया, तो 35 का ये देख लीजिए, ये इन द जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ द सेमाइनल वेसिकल्स, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन, कौन सा करेक्ट होगा 35 का, 35 का डी ऑप्शन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स लिखा है, दी जर्मिनल एपिथेलियम्स ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, आगे यहाँ पे लिख लीजिए SEMINIFEROUS सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, TUBULES ट्यूब्यूल्स लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको मैच कराना है और अच्छे से मैच कराइए, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, मैच कराने के क्वेश्चन 100% आते ही हैं, तो ओवरी से क्या फर्टिलाइजेशन मिलाएंगे, ओविडक्ट के थ्रू ओविलेशन, यूट्रस में क्या, यूट्रस में प्रेगनेंसी आप मैच करेंगे, और सर्विक्स क्या होती है, बर्थ कैनाल होती है, तो एग्जैक्ट आपका ए का फर्स्ट से, बी का सेकंड से, थर्ड सी का आप थर्ड से लगाएंगे सी का, और डी का फोर्थ से, तो ऑप्शन नंबर देखिए बी वाला करेक्ट हो जाएगा, एग्जैक्ट बी मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने बताया था कि बल्बो यूथरल ग्लैंड कहाँ होती है और बर्थोलिन ग्लैंड कहाँ पे पाई जाती है, तो बल्बो यूथरल ग्लैंड मेल्स में होती है और बर्थोलिन ग्लैंड जो होती है, बर्थोलिन बर्थ से याद करिए, बर्थोलिन बर्थ से, बर्थ कौन कराता है, बच्चा पैदा कौन कराता है, बर्थ जन्म वो होती हैं, मम्मी होती हैं, तो बर्थोलिन ग्लैंड कहाँ पे पाई जाएगी, फीमेल्स में, ऑन द साइड ऑफ हेड, ये गलत हो जाएगा, ऑन द रेडियो जो द एंड, ये भी गलत हो जाएगा, आइदर साइड ऑफ द वास डिफरेंस, तो मेल का पार्ट होता है, डी ऑप्शन देखिए, बर्थोलिन ग्लैंड ऑन द दोनों साइड पाई जाती है, वजाइना इन द ह्यूमन, तो ऑप्शन नंबर डी एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, बताइए कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिफर्स, अंतर होता है, डिफरेंट होता है फ्राम स्पर्मेटोगोनियम से, तो ये साइज और बैलूम से डिफरेंट होता है, क्योंकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का साइज और बैलूम अलग होता है स्पर्मेटोगोनियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, सिंथेसिस ऑफ टेस्टोस्टेरोन बाय लीडिंग सेल्स इन स्टिमुलेटेड बाय, जो टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन होता है, ये सिंथेसिस होता है किसके द्वारा, लीडिंग सेल्स से, और कौन सी हार्मोन होती है जो स्टिमुलेट करती है, तो ये ऑप्शन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या फिर ICSH का पूरा नाम क्या है, इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यहाँ पे ICH का फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं INTER, इंटर STITIAL, इंटरस्टिशियल CELL, सेल्स स्टिमुलेटिंग STIMULATING, स्टिमुलेटिंग हार्मोन HORMONE हार्मोन, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी ओसाइट सराउंडेड बाई ये लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स इज कॉल्ड, अब ये देखिए प्राइमरी ओसाइट जो होती है वो सराउंड घिरी होती है कौन से लेयर से, ग्रेनुलोसा सेल्स की कौन से लेयर से, उसको क्या कहते हैं, तो बताइए कौन उसको क्या कहेंगे, तो 40 का ऑप्शन नंबर कौन सा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं, और ये देखिए स्पर्म एक्रोसोम्स कंटेन, अब मैंने अच्छे से बताया था एक वीडियो में, किसी वीडियो में, कि स्पर्म में एक्रोसोम पार्ट होता है जो एक्रोसोम गाल्जी कॉम्प्लेक्स से बनता है, और इसमें एंजाइम लाइसोजाइम लिटिक एंजाइम कुछ होते हैं, एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम कुछ पाए जाते हैं, तो वो होते हैं हाइलोनिक एसिड एंड प्रोक्रोसिन, फर्टिलाइसिन, प्रोक्रोसिन, एक्रोसिन,
तो 41 का ये थोड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन है, अच्छे से देखेंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। इसमें स्पर्म क्रोसोम में हायलोनिक एसिड एंड फर्टिलाइजेशन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 की बात करेंगे, दी फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस द प्यूबर्टी इज कॉल्ड। जब फर्स्ट प्यूबर्टी होता है तो मेंस्ट्रुएशन जो होती है, पहली बार जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है तो उसको क्या कहा जाता है, ओव्यूलेशन कहा जाएगा, मीनोपॉज। मीनोपॉज तो कहा जाता है जब पुश हो जाता है, बंद हो जाता है, लेकिन जब शुरुआत होती है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है प्यूबर्टी पहली बार, तो उसको मीनार्ची बोलते हैं। मीनार्ची को मीनाक्षी क्या ऐसे याद करेंगे, मीनार्ची फर्स्ट टाइम, और मीनोपॉज पुश हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। एग्जैक्ट ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है तो उसको क्या कहते हैं, मेनार्ची कहते हैं। और अगर 45 से 50 साल के जब फीमेल्स हो जाती हैं तो उसमें मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, उसको मीनोपॉज कहते हैं। ये देखिए ल्यूटियल फेज इज आल्सो कॉल्ड, मेंस्ट्रुएशन साइकिल देखेंगे उसमें अलग अलग फेज चलती है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मेंस्ट्रुएशन चलता है 3 से 5 दिन और फॉलिकुलर फेज चलती है, फॉलिकुलर फेज 6 से 15 डेज चलती है, और ल्यूटियल फेज सेक्रेटरी फेज होती है, ल्यूटियल फेज जो 15 से लेके 28 डेज तक चलती है, दिन तक चलती है, इसको ल्यूटियल फेज कहते हैं। ल्यूटियल फेज को सेक्रेटरी फेज भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ल्यूटियल फेज के बाद नेक्स्ट साइकिल बिगिंस शुरुआत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 देखिए, ग्रेफियन फॉलिकल्स कंटेंस, ग्रेफियन फॉलिकल्स में क्या होता है, ओगोनिया सेल, कार्पस ल्यूटियम, थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना, या फिर कार्पस एल्बिकेंस। तो ग्रेफियन फॉलिकल्स कंटेन, ग्रेफियन फॉलिकल्स में क्या होगा, तो सी ऑप्शन 44 का करेक्ट हो जाएगा, थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, इन द बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन व्हाट विल हैपन, अगर बिगनिंग शुरुआत होती है मेंस्ट्रुएशन की तो क्या घटना होती है, उसमें ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस, ओव्यूलेशन होगा, और कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट होगी, तो लेवल ऑफ एलएच एंड एफएसएच इंक्रीज हो जाएगा, जब इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज हो जाता है मेंस्ट्रुएशन के समय, और प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज डिक्रीज हो जाती है। तो 45 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम जो होती है वो डीजनरेट होती है, कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट होगा तभी तो क्या शुरू होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, और तो कार्पस ल्यूटियम जो होती है ये डीजनरेट होने लगता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से बताइए, दी कलेक्टिव टर्म यूज किया जाता है एक्रोसोमल केमिकल्स के रिस्पेक्ट में, जो एक्रोसोम मैंने बताया था कि ये स्पर्म का पार्ट होता है, हेड वाला पार्ट होता है, जो हेड के अंदर एक्रोसोम होता है और उसमें न्यूक्लियस भी होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है, तो फर्टिलाइजिन प्रेजेंट होता है स्पर्म में, जो एंटी फर्टिलाइजिन प्रेजेंट होता है, ओबम को फर्टिलाइजिन, ओबम में भी फर्टिलाइजिन प्रेजेंट होता है और स्पर्म में भी फर्टिलाइजिन प्रेजेंट होता है, तो दोनों में इसलिए तो फर्टिलाइज होता है। तो 46 का ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा करेक्ट होगा, बी ऑप्शन स्पर्म लाइसिन होगा, स्पर्म लाइसिन प्रेजेंट होता है केमिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इन ह्यूमन क्लीवेज डिवीजन, ह्यूमन में जो क्लीवेज डिवीजन होता है वो स्लो एंड सिंक्रोनस होता है या फास्ट होता है, या स्लो एंड असिंक्रोनस होता है या फास्ट या असिंक्रोनस होता है, तो 47 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, स्लो भी होता है और सिंक्रोनस भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज नॉट मेसोडर्मल इन ओरिजिन, अब इसमें बताइए कौन सी मेसोडर्मल ओरिजिन इसमें नहीं है, तो 48 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सी नर्वस सिस्टम जो होता है, मैंने बताया था किस नर्वस सिस्टम की कौन सी ओरिजिन होती है, इक्टोडर्मल होती है कि एंडोडर्मल होती है, मैंने बताया था कि नर्वस सिस्टम की ओरिजिन जो होती है वो इक्टोडर्मल होती है ना कि मेसोडर्मल, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नर्वस सिस्टम इक्टोडर्मल ओरिजिन होती है, तो ये चीज़ हो जाएगा इक्टोडर्म, इक्टो डी ई आर ई एम इक्टोडर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एच एस सी एस ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटो
ये देख लीजिए, सोमैटोमाइमोट्रोफिन, सोमैटोमाइमो मीन्स माइमेरी ग्लैंड से बात हो रही है। प्रीवियसली कॉल्ड क्या कहा जाता है, यस प्रीवियसली सबसे पहले यस को क्या कहा जाता था, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन या कोरियोनिक थायरोट्रोफिन कहा जाता था या कोरियोनिक कॉटी कोट्रोफिन कहा जाता था कि रिलैक्सिन। तो 49 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहले ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन कहा जाता था यस को। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट नंबर क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस आफ्टर चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड, चाइल्ड बर्थ के दौरान बाद में जब चाइल्ड बच्चा पैदा हो जाता है तो फर्स्ट मिल्क जो प्रोड्यूस होता है उसको क्या कहते हैं, सीबम ये देख लीजिए, सेरोसुमन कहते हैं या ट्रू मिल्क कहते हैं या कोलेस्ट्रम। तो काफ़ी स्टूडेंट ट्रू मिल्क लगा देते हैं, नहीं, काफ़ी सभी स्टूडेंट को पता होता है कि उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम में IgA एंटीबॉडी होती है, कौन सी एंटीबॉडी होती है, IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है जो बच्चों को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है अलग अलग बीमारियों से, ग्रसित ना हो बच्चे, इसीलिए अधिक प्लस कुछ माँ के प्लेसेंटा के थ्रू एंटीबॉडी मिल जाती है बच्चों को, कुछ कोलेस्ट्रम के थ्रू मिलती है, कुछ ऐसे ऐसे करके एंटीबॉडी बच्चों को मिल जाती है जिससे बच्चा एकदम हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त रहता है। इसीलिए डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि बच्चे के ब्रिंगिंग एंड हेल्थी बेबी के लिए आप ब्रेस्ट फीडिंग कराइए, ना कि बाहर से दूध प्रोवाइड कराइए। तो पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है IgA, पैसिव इम्यूनिटी मीन्स बच्चों से बने बनाए एंटीबॉडी मिल जाती है बच्चों को। तो ये सब चीज़ें हो गई हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। और आप जितनी भी प्रीवियस वीडियो, मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड किया था इसके पहले कि कैसे आप मेरे चैनल के थ्रू कौन कौन सी वीडियो देख के नर्सिंग पैरा मेडिकल फार्मेसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के अच्छे से क्वालिफाई करके गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, तो सभी वीडियो तो आपको देखनी पड़ेगी। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की काफ़ी वीडियो है, पहले वो रिवाइज करिए और जितनी भी चैप्टर बचे हैं मैं करा दूंगा, लेकिन जितनी भी पहले फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में करा चुका हूँ लगभग 1000 प्लस वीडियो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की तीनों के मिला के हैं। तो पहले वीडियो को सीरीज वाइज एकदम रिवाइज करते रहें और आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। 7-8 घंटा पढ़ाई आप डेली करिए, 10 घंटे जाइए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, जितना समय मिले आप फोकस करिए मुरली अपने पढ़ाई में। तो अभी टालिए घूमिए नहीं, कहीं पर जाइए नहीं, आप 8 से 10 घंटे पढ़ाई करिए। काफ़ी स्टूडेंट ये सोचते हैं कि नर्सिंग पैरा मेडिकल का अप्लीकेशन फॉर्म डाल दिए तो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो गया, ऐसा कुछ नहीं, पहले कभी होता था लेकिन अब तो कंपटीशन अच्छा है तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा। अगर आप फाइट करना चाहते हैं एंट्रेंस एग्जाम में तो आप अच्छे से पढ़ाई शुरू कर दीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी डेली का डेली आप लोग पढ़ते रहिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियो भी रिवाइज करिए। नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे और वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, कमेंट्स अच्छे अच्छे करिए, तभी मोटिवेशन मिलता है और काम करने में मज़ा भी आता है। ऐसी वीडियो बनती नहीं है, काफ़ी मेहनत करता हूँ मैं अपनी पढ़ाई छोड़ के तब ये बनाता हूँ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, आप समझ भी रहे होंगे, नहीं समझ रहे होंगे तो आप खुद एक वीडियो बना के या पढ़ाई करके देखिए। थैंक यू, आई होप आपको समझ में आई होगा। थैंक यू।